मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है यानी कि आपको जागरूक करना। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो समझ लेना कि आप होने वाले फ्रॉड से बच जाएंगे और आपके पैसे भी बच जाएंगे और आप किसी से मूर्ख भी नहीं बनोगे। तो गाइस, ऐसा एक फ्रॉड मेरे साथ हुआ है। उस फ्रॉड की मुझे पहले से भनक थी, बट मुझे पता था कि ये फ्रॉड है, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सचेत करने के लिए मैं ये प्रोडक्ट जो मेरे पास आया है इसको खरीद लेता हूँ और आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। मेरे तो पैसे वैसे भी वीडियो में कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो गाइस, ये फ्रॉड है केवल और केवल अपने जो यहाँ पे जो डाकघर है इसके द्वारा हो रहा है। लेकिन ये डाकघर वाले भी फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, ना ही जो आपके गांव में जो डाकिया आता है ना ही वो फ्रॉड कर रहा है। तो ये फ्रॉड कर कौन रहा है इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ और वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट बातें बताने वाला हूँ, क्या क्या मेरे साथ हुआ है, क्या क्या आपके साथ हो सकता है, कैसे आपको थोड़ा सावधान रहना है। तो सबसे पहले यह बात मान लेते हैं कि आपके घर एक डाकिया आता है चिट्ठी लेकर और वो चिट्ठी में लिखा होता है कि 598 रुपये आपको डाकिया को देने होंगे, फिर वो डाकिया आपको चिट्ठी देगा। जैसे कि वो सीओडी वाला चक्कर हो गया, कैश ऑन डिलीवरी वाला, तो डाकिया आपसे आकर 598 रुपये मांगेगा, क्योंकि वो अपने घर रखने के लिए नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है कि जो जहाँ से ये पोस्ट आई है वो उसको पैसे दे सके। यानी कि जो डाकिया होता है वो इंडियन पोस्ट सर्विस होती है, जो उसको वहाँ पे पैसे जमा करा सके और वो जो इंडियन पोस्ट वाले होते हैं वो उसको पैसे दे देते हैं जहाँ से ये जो पोस्ट आई थी। तो बात यह है कि हमारे साथ फ्रॉड क्या हुआ है जो कि मैं कंप्लीट इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो मान लेते हैं कि आपके घर कोई डाके आता है और आपको बोलता है कि 598 रुपये दे दो और आपका जो पार्सल आया है ये आप रिसीव कर लो और यहाँ पे साइन कर दो। तो आप बोलोगे कि मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं था, तो मेरे पास ये पार्सल आया कैसे? तो आपको लगेगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, बट फिर भी आपको एक ऐसा अंदर से जिज्ञासा है, क्या मैं इस प्रोडक्ट को रिसीव ही कर लूँ और जो आया है इसके अंदर देखते हैं क्या होगा। तो ऐसे फ्रॉड यहाँ पे बहुत सारे चल रहे हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ है जो कि आपके साथ हो गया होगा या फिर होने वाला होगा या फिर कभी हो सकता होगा। तो जैसे कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूँ, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा पार्सल आया था और इसके ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है। तो चलिए थोड़ा वीडियो में आगे दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए गाइज, मेरे पास ये प्रोडक्ट आया था जो कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कृपया ग्राहक से 598 रुपये लेकर, ये जो आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पे लिखा गया कि कोड फीस 598। थोड़ा मैं क्लियर आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोड फी 598 रुपये। तो यहाँ पे ऊपर लिखा गया कि धन लक्ष्मी ATM कार्ड, और आपके पास कोई ऐसा कार्ड आएगा तो आप भी उसको रिसीव करना चाहेंगे। आप सोचेंगे भाई ATM कार्ड है, इसमें क्या फ्रॉड है? तो भैया यहाँ पर बहुत ही शातिर चोर है जो कि ऐसा कर रहे हैं, और क्या क्या यहाँ पे हुआ है वो कंप्लीट मैं आपको बता रहा हूँ। तो मान लेते कि एक डाकिया इस प्रकार की चिट्ठी लेके आपके घर आता है और आपको बोलता है कि आपका पार्सल आया है और आपको 598 रुपये देने हैं। इसमें डाकिया की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिसने पार्सल सेंड किया है उसने कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे भेजा है, और अगर हम ये पार्सल रिसीव नहीं करते हैं तो ये पार्सल वापस उसी के पास चला जाता है और वो ऊपर वाली स्लिप हटाकर फिर किसी और के पास सेंड कर देता है। तो इस प्रकार से उसको तो मतलब कोई ना कोई लेने वाला मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है धनलक्ष्मी ATM कार्ड। अगर मैं यहाँ पर मना कर देता इस पार्सल को लेने के लिए तो कोई ना कोई इस पार्सल को और ले लेता। तो मैं आपको यहीं सचेत करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जागरूक करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कोई इस प्रकार का पार्सल आए जो कि आपने ऑर्डर किया ही नहीं हो और वो कैश ऑन डिलीवरी हो, तो आपको कभी भी रिसीव नहीं करना है, क्योंकि वो एक फ्रॉड ही होगा, क्योंकि आपने तो ऑर्डर किया नहीं और कैश ऑन डिलीवरी वैसे हो यानी कि आपसे पैसे लेना चाहता है। तो इस प्रकार का पार्सल आपको कभी भी रिसीव नहीं करना है। तो जैसे कि आपको दिखा हुआ मिलेगा धनलक्ष्मी ATM कार्ड, तो इस प्रकार से इसके अंदर एक कार्ड दिखेगा, जैसे कि मैं इसको ओपन करके यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे ओपन करने के बाद ये कि ये मिलता है, इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे दिखाऊँगा, और इसके अंदर मुझे एक ATM कार्ड मिलेगा जो कि आपका यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले गाइस देखिए, यहाँ पे एक ATM कार्ड हमें मिला है, तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे करके आपको मैं दिखा देता हूँ। श्री कुबेर लक्ष्मी सिद्ध महायंत्रा। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है थोड़ा जूम करके यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा इसको यहाँ पे क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं।
तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखे गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, या फिर मैं स्क्रीन पे एक HD फोटो यहाँ पे इसकी लगा देता हूँ जो कि आपको क्लियर दिखाई देगी। और इसके बैकग्राउंड में कुछ इस प्रकार का दिया गया है जो कि आपको यहाँ पे क्लियर फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगा जो कि आपको फुल HD में दिखाई देगी। तो गाइस इसके ऊपर क्या क्या लिखा गया है मैं आपको एक बार रीड करके दिखा देता हूँ। श्री रानी सती महायंत्र ऑल इंडिया होम डिलीवरी सिद्ध महायंत्रा सप्लायर, और यहाँ पे नंबर दिया गया है सुनील मित्तल का व्हाट्सएप नंबर, दो नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं जो कि मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया तो यहाँ पे कोई कॉल नहीं लग रहा था, और मैंने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया तो मेरे पास क्या क्या मैसेज आए वो मैं आपको कंप्लीट दिखा दूंगा। तो गाइस जैसे कि इसके बैक साइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, बैक साइड में भी यहाँ पर दो ही नंबर लिखे गए हैं और एड्रेस लिखा गया है। तो मैंने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट किया तो बाद में मेरे साथ क्या हुआ, चलिए मैं आपको व्हाट्सएप वाली चैटिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कार्ड के ऊपर नंबर दिया गया है उसके ऊपर मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया जो कि सुनील मित्तल के नेम से है, उनका सबसे पहले यहाँ पे हेलो मैसेज आया क्योंकि मैंने कॉल करने का ट्राई किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोटो भेजी भाई, ये कार्ड तो मैंने ऑर्डर किया ही नहीं तो मेरे पास कैसे आया। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिख के भेजा है, पार्सल धोखा कुबेर यंत्र, बाहर देश के महिला बेटी सावधान सतर्क, आपके घर में एक बंदा लड़का एक पार्सल लेके आएगा और आपसे पार्सल में धनलक्ष्मी यंत्र कुबेर यंत्र है बोल के आपसे रुपए लेगा, आप गलती से भी पार्सल ना रखें, पूरे भारत देश में कुछ लड़के हमारे उड़ीसा कुबेर भगवान मंदिर के नाम से नकली यंत्र छपवा के बेच रहे हैं। पार्सल के ऊपर पार्सल भेजने वाले दुकानदार का दिल्ली का डाक पता हो सकता है या पता भी नकली हो, सावधान सतर्क, कृपया यह प्रचार जन जन तक जल्द से जल्द भेजें ताकि कोई और कोई व्यक्ति इन लुटेरों के जाल में ना फंसे, सावधान सतर्क होशियार अग्रवा महादहम उड़ीसा लाइफ टाइम चेयरमैन सुनील मित्तल तंत्रा शास्त्री व्हाट्सएप नंबर, ये यहाँ पे लिखा गया है जो कि कार्ड के ऊपर छपा आता है और ये कोई दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा गया है जो कि मैं रीड करने में असमर्थ हूँ, यही सेम लिखा होगा। तो गाइस जैसे कि आप कौन से शहर से है जी सुनील मित्तल का मेरे यहाँ पे मैसेज आता है तो मैं बताता हूँ हिसार हरियाणा से हूँ। तो मैं बोला अब पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी तो ये पोस्ट सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, ऐसा सुनील मित्तल कहते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे नंबर तो आपका है, उन्होंने कहा ओके। तो उसकी तरफ से यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आया है मेरी साइड की, मैंने पुलिस कंप्लेंट पहले से कर रखी है, मेरा नंबर फ्रॉड यूज़ कर रहा है, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो 10-20% तो शक इन पे भी जाता है कि यही फ्रॉड कर रहे हैं क्योंकि इनका नंबर भी बंद आ रहा है और यहाँ पर ये कुछ खास रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, बस यही भेज रहे हैं कि यहाँ पे सबके पास ये ग्रुप ये पोस्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रही है इस सबके पास शेयर कीजिए, ऐसा ही यही बोल रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और इन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी सिटी का नेम कौन सा है तो मैंने यहाँ पे उनको बता दिया है। तो 10-20% तो शक मुझे इन्हीं पे जाता है कि ये भी एक फ्रॉड हो सकते हैं, क्या पता यही फ्रॉड कर रहे हो क्योंकि इन्हीं का नंबर यहाँ पे कार्ड पे दिया गया है, ऐसे तो कोई नंबर यहाँ पे शायद ही कोई दे सकता है। तो गाइज हो सकता है, मैं कंप्लीट यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि ये फ्रॉड है या फिर ये हो सकता है। तो गाइज मैंने आपको बताया कि इस प्रकार का जो पार्सल है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, और जो इस पार्सल के अंदर एक और चिट्ठी आती है, चलिए उसके बारे में यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे गाइज आपने व्हाट्सएप वाली चैटिंग रीड कर ली होगी और व्हाट्सएप से जो आगे मैंने जो पोस्ट ओपन की थी इसके साथ में एक चिट्ठी भी आई थी, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइज जैसे कि देखिए इस चिट्ठी के अंदर क्या लिखा गया है, कंप्लीट आपको मैं यहाँ पे रीड करके बताने वाला हूँ। तो गाइज जैसे कि इसकी मैं एक HD फ़ोटो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पे फ़ोटो लगा दी है तो मैं यहाँ पे आपको रीड करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया, डियर कस्टमर ग्रीटिंग ऑफ द डेज अबाउट श्री धनलक्ष्मी ATM कार्ड, एक तरह के ATM कार्ड की तरह दिखने वाला ऐसा यंत्र है जिससे कि आप अपने घर की परेशानी दूर कर अपने और अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं। माता माँ लक्ष्मी का ATM कार्ड आपको सुविधाकरण के साथ दिया जा रहा है जिससे कि शुद्धिकरण के साथ दिया जा रहा है जिससे कि आप और अपने पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे। विधि, श्री धनलक्ष्मी ATM कार्ड को आप फ्राइडे के दिन प्रातःकाल में सुबह 9 बजे से पहले गंगा जल या फिर रा मिल्क को छिड़क ले और धूपबत्ती जलाकर या घी का दिया जलाकर पूजा अर्चना करें, उसके बाद लक्ष्मी माता का मंत्र ये जो लिखा गया यहाँ पे इसको पढ़ नहीं सकता क्योंकि यार इतनी संस्कृत थोड़ी ना आती है, 21 बार जाप करने, अपने वॉलेट पूरे पर्स यानी पूरे बोला पर्स दुकान भगवान के मंदिर या फिर वापस से व्यापार से संबंधित कहीं पे भी आप इसे स्थापित करें और अगले 40 दिनों में इसके फल का लाभ उठाएं।
और गाइज यहाँ पे रिफंड पॉलिसी दी गई है, अगर आपको 40 दिन के अंदर इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जानकारी हमारे कस्टमर केयर पर दे दें या हमें मेल करें और श्री महालक्ष्मी एटीएम कार्ड को एज इट इज़ वापस कर दें और आपको विद इन 7 डेज 70% रिफंड कर दिया जाएगा। और यहाँ पे नीचे मेल आईडी दी गई है, माता लक्ष्मी कृपा पर बनी रहे, धन्यवाद माता महालक्ष्मी जी सदा सही। तो गाइज इस प्रकार का है, चलिए कुछ बातें और कर लेते हैं इस वीडियो के एंड में। तो गाइज जैसे कि वीडियो को आपने कंप्लीट देख लिया होगा, आपको चक्कर समझ में आ गया होगा कि मैंने कभी कुछ मतलब कैश ऑन डिलीवरी कुछ इंडियन पोस्ट से ऑर्डर किया ही नहीं और तब भी मेरे पास यह पार्सल आया है। पता नहीं जो फ्रॉड था उसको मेरा एड्रेस कैसे मिला है और जो मेरा नंबर लिखा हुआ था इसके ऊपर वो बिल्कुल रॉन्ग था, यानी कि गलत था, जो कि बिल्कुल गलत नंबर यहाँ पर दिया गया है, लेकिन एड्रेस यहाँ पर सही दिया गया है जो कि विलेज पोस्ट ऑफिस के अंदर मेरे यहाँ पर ये पार्सल आ चुका है। तो गाइज मैंने सोचा था कि ये तो मैंने ऑर्डर किया ही नहीं और कैश ऑन डिलीवरी ये वैसे है तो इसको रिसीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे पहले से शक हो रहा था कि ये बिल्कुल एक फ्रॉड है। तो गाइस मैंने क्या सोचा कि इसको रिसीव कर ही लेते हैं और इसके अंदर क्या ही पता लगाते हैं और इसके बारे में एक वीडियो बनाकर सभी को बताते हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है जो कि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि ऐसा पार्सल आपको कभी रिसीव करना नहीं है जो कि कभी आपने ऑर्डर किया ही नहीं और ऊपर से वो कैश ऑन डिलीवरी हो, तो आपको इस हालात में कभी भी पार्सल रिसीव नहीं करना है क्योंकि ये 101% इसी प्रकार से फ्रॉड होगा। तो गाइस मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब गिल्टी महसूस नहीं हो रही है क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जागरूक कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे एक बता रहा हूँ कि कैसे आप फ्रॉड से बच सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी मतलब ऐसे मुझे नहीं लगा कि मैंने पार्सल रिसीव क्यों किया, क्योंकि मैं पार्सल रिसीव करने से पहले जानता था कि 101% ये बिल्कुल फ्रॉड हो रहा है। तो मैंने सोचा कि पार्सल रिसीव करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जागरूक करूँगा। तो आपका कार्य यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर बताएं कि आपके साथ यह हादसा हुआ है कभी या फिर आपके दोस्त के साथ यह हादसा कभी हुआ हो। तो इस प्रकार की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि किसी के साथ इस प्रकार का फ्रॉड ना हो। तो गाइज इस प्रकार की वीडियो को शेयर करना बनता है, तो गाइज प्लीज़ इस वीडियो को सभी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो गाइज बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।